निमराना के कुतेना गांव में हाई टेंशन लाइन गिरने से दो गायों की जलकर मौत हो गई। फिर भी एक बड़ा हादसा टल गया कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इसमें विद्युत विभाग के अधिकारी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें सामने आया कि बिजली विभाग में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो कोई गारंटी नहीं कि अधिकारी आपका फोन भी उठा ले। ऐसा ही मामला है ये नीमराना के कुतेना गांव का, जहां हाई टेंशन लाइन गिरकर टूटी और दो गायों की मौत हो गई। इस हादसे के तुरंत बाद अधिकारियों को सूचित करने के लिए जेईएन को कॉल किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर एईएन आरसी मीना को कॉल किया गया, उन्होंने भी 25 मिनट बाद जाकर कॉल रिसीव किया और किस कदर इस बेपरवाह अधिकारी ने लापरवाही से जवाब दिया, आप भी सुनिए। आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है क्या सर? 8 घंटे की ड्यूटी होती है। कितने बजे से कितने बजे तक है सर आपकी? 9:30 से 6:30 शाम को 6 बजे तक आपकी ड्यूटी है। ओके सर, उसके 9:30 से पहले आप फोन रिसीव नहीं करेंगे किसी भी कैंडिडेट का आता है तो? आदमी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तुमको पता है कि मैं क्या कर रहा था? सर मेरे फोन नहीं उठा रहा सर। 25 मिनट से आप क्या कर रहे थे? आई डोंट नो अबाउट कर रहा हुआ है आदमी, नहाता भी है, खाता भी है, सोता भी है, और कुछ कर रहा होता है। और सर यहाँ पे अगर कोई मर जाएंगे ना, कल के न्यूज में आएगी सर, ठीक है, कल के पेपर में आएगी। अगर जयन साहब अयन साहब सो रहे थे, फोन रिसीव नहीं किया, यहाँ पे 2 लोगों की 3 लोगों की मौत होगी बिजली के तार में फंसने से, ठीक है सर। आपके सिरियानी फीडर पे आपके पास डिटेल है कौन है वहाँ पे अभी? हेलो, मैं कह रहा हूँ सर सिरियानी फीडर की डिटेल है आपके पास, कौन है ड्यूटी पे वहाँ पे? सिरियानी मेरे पास नहीं होती, जयन के बाद होती डिटेल, मेरे पास नहीं होती सर। अयन साहब के पास भी बहुत कुछ डिटेल रखते हैं, मेरे पास नहीं होती भाई, उनके पास कर्मचारी उनके होते हैं, वो आदमी ड्यूटी लगाते हैं, मेरा ऑफिस संभालता हूँ मैं। यहाँ पे लगभग 3 पोल की दूरी की तार गिर गई 11,000 की लाइन की, उसके बाद सिरियानी फीडर पे कोई रिसीव नहीं कर रहा है कॉल, जयन साहब रिसीव नहीं कर रहे हैं फोन, आपने भी लगभग 25 से 30 मिनट में मेरा फोन रिसीव किया है, उसके बाद आपका जवाब ये है कि मेरी ड्यूटी 9:30 से 6 बजे तक होती है। ओके सर, सही है, बिल्कुल ठीक है। जयन साहब थैंक यू, धन्यवाद आपका, ठीक है सर। ये जनाब एएनआरसी मीना साहब है जो कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी 9 से 6 बजे तक है, इसका मतलब आपके साथ इस समय के आगे या पीछे कोई दुर्घटना हो जाए तो उसे भगवान भरोसे पर ही छोड़ दे। अभी तो गनीमत ये रही कि यहाँ सिर्फ दो गायें ही चपेट में आई, अगर यह घटना गांव के अंदर होती तो एक बड़ी जनहानि सामने आ सकती थी। तूफान होने के बाद जहां विभाग को और अधिक चुस्त रहने की आवश्यकता है, वहीं अधिकारियों का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया दुखद कहा जाएगा, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। ये सुबह हादसा हुआ है सर, लगभग 6:10 के आसपास हुआ है, मैं उसी टाइम यहाँ मौजूद था सर। यहाँ पे इसमें क्या हुआ है सर, मैंने कोशिश की बिजली विभाग में जो है संपर्क करने की, सबसे पहले तो मैंने हमारा जो नज़दीकी फीडर पड़ता है श्रीयाणी, वहाँ मैंने फ़ोन लगाया, वहाँ से कोई मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद मैंने प्रयास किया जयन साहब के पास, जयन साहब का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद मैंने अयन साहब से प्रयास किया बात करने का, अयन साहब के पास कॉल जा रही थी, लगभग मैंने 30 से 35 बार उनके पास कॉल किया, तब जाकर कहीं उन्होंने रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद उनका कहना यही था कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो इस बारे में अगर आपको बात करनी है तो जयन साहब से बात करें, मैंने यही बोला मगर जी जयन साहब का। उधर इस संदर्भ में अधीक्षण अभियंता बीएस मीणा ने एएन के इस लापरवाह बयान पर कहा कि अगर ऐसा बोला है तो गलत है, इस पर जांच करेंगे और लापरवाही पर सख्त कार्यवाही भी करेंगे, पहले लाइन को ठीक कराकर आगे जांच भी करेंगे। अभी आप थोड़ा वेट करें सर, मैं इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट ले लेता हूं अभी पूछ के, और फिर क्या वजह रही है क्या नहीं, यदि हमारे विभाग की कोई उसकी कमी रही है तो नेचुरली कार्रवाई करेंगे, और कोई टेक्निकल फॉल्ट है क्या है, क्या मैटर है, तो मैं अभी एक बार इसकी जानकारी कर लूँ, जानकारी करके त्वरित कार्रवाई कर, अभी मैं मालूम करके त्वरित कार्रवाई करवाता हूँ। पहले तो ये घटना जहाँ घटित हुई उसको सबसे पहले रिस्टोर करवाते हैं, उसके बाद में किसकी कमी रही है किसकी नहीं रही है जाँच करवा के, और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यदि कोई दोषी व्यक्ति होगा तो कोई विभागीय किसी की लापरवाही है तो करेंगे उसके खिलाफ।